शनिवार को सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की बहनों के खाते में एक क्लिक से उनके खाते में हजार हजार रुपए पहुंचा दिए। तो वहीं कांग्रेस ने इस योजना को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इस योजना से कई लाडली बहनों को वंचित रखा है। उन्होंने कहा कि उन महिलाओं की क्या गलती है जिन महिलाओं के घर में चार पहिया वाहन या ट्रैक्टर हैं। कांग्रेस नेत्री निकिता खन्ना ने मध्य प्रदेश की महिलाओं और बहनों से आग्रह करते हुए कहा कि बस आप 4 से 5 महीने बाद कमलनाथ की सरकार आ रही है जिसमें नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे, साथ ही 500 रुपए में सिलेंडर भी मिलेगा और 100 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, 200 यूनिट बिजली हाफ रहेगी। उन्होंने कहा कि लाडली योजना सिर्फ 4-5 महीने की ही है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो NHRC की रिपोर्ट आई है उसमें महिलाओं पे हुए अपराधों में पूरे देश में पहले 3 स्थानों में आता है। तो मैं सबसे पहले महिलाओं से माफी मांगना चाहूंगी कि सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है आज की महिलाओं के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए। साथियों, अब यदि ऐसी कोई स्थिति हो तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए और जहां पर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए। पर अफसोस, सरकार ने आखिर किया क्या? सरकार लेकर आई लाडली बहना योजना। इस योजना के अंदर एक अपात्रता है। वो अपात्रता ये है कि यदि कोई भी महिला विवाहित नहीं है तो वो यहाँ से बाहर है। साथियों, कुछ दिनों से कई महिलाओं के मेरे पास फोन आ रहे हैं, कई महिलाएं आ रही हैं जो बता रही हैं कि दीदी हमारे साथ ऐसे घिनौने अपराध हुए हैं जिसके कारण हमारा विवाह नहीं हो पाया। कई ऐसी पीड़िताएं हैं, रेप विक्टिम्स हैं जो मेरे पास आके कह रही हैं कि हमें केवल इसलिए इस योजना से बाहर कर दिया गया क्योंकि हमारा विवाह नहीं हो पाया। क्या ये चीज शर्मसार नहीं है? साथियों, आज हम महिलाओं को केवल इसीलिए इस योजना से बाहर कर रहे हैं क्योंकि वो विधवा हैं या फिर उनका तलाक हो चुका है या फिर उनका रेप हो चुका है। तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। यदि आज कमलनाथ जी होते तो सबको बराबरी से इस योजना का लाभ मिलता, और इसीलिए आई है नारी सम्मान योजना।